हेलो 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 हेलो, हेलो, आपसे क्या है? कितना? प्यार है। मुझे लगा क्यों है, पूछोगे? वो तो मुझे पता है क्यों है, लेकिन कितना बताऊं है? क्यों है? क्योंकि मैं इतनी अच्छी जाऊं खुद की तारीफ करने के अलावा कुछ आता है हाँ, तुमसे क्या? करो प्यार करना ना फिर। झूठे छूटे मक्कार, का? अरे झूठे हो तुम, झूठे। घंटा प्यार करते हो तुमने ऐसे, और कितना क्यों पूछा नहीं ना किया? तुमने, कितना है ना। हाँ, अभी मेरे सामने जो चीज है उसका नाम ले लूं, क्या? बस एक पानी की बोतल जितना। बस क्या यार, इतना पानी की इतना बोतल कितने टाइम तक जिंदा रहती, जिंदा तो होती नहीं है बट कितने टाइम तक रहती है वो। उसमें जितना प्यार भर लो कमी है, और वो प्यार तुम ही पी जाओगे, समझे? इतना प्यार करता हूँ, मेरे सामने जो भी चीज रख दोगे मैं उसके रिगार्डिंग प्यार को एक्सप्रेस करूंगा तुम्हें। क्या? कौन सी चीज? अभी बोतल थी ना, तो बोतल के जरिए प्यार जता दिया। मेरे सामने मेरा हेयर बैंड है, हाँ उसके जरिए प्यार जता सकते हो? हाँ कैसे? तुम्हारे हाथ पकड़ूंगा दोनों, उसमें फंसा दूंगा, तुम्हारे हाथ बांध दूंगा, तुम्हारे पराग सो जाऊंगा, इस जरिए। ये प्यार है? मैं हाँ, किस करने के लिए तो काफी है ना, ताकि आपके हाथ कोई शैतान ही ना कर सके। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? तो कुछ तो फिर क्या हुआ, नहीं, शर्म आ रही है? ओ ओए, क्या का ध्यान है? कहीं नहीं कहीं नहीं, शर्मा रही है मुस्कुराते हुए। अच्छा, ये सब छोड़ो। पता है, एक और मुझ जरिया है बोतल के जरिए प्यार जताने का। फेंक कौन सा? के मारूंगा तुम्हें। अच्छा, फेंक दो। तुम्हारी तरफ फेंक कर मारूंगा, हाँ, फेंक दो। ठीक है? ये लो, आगे के देखो। आउच, हे भगवान, कैसी लड़की मिली है मेरे को। आई मिस यू, आई मिस यू टू। क्या कर रहे थे? लव यू। मिस आई लव यू टू। क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा तुमको। झूठ है। क्यों कर रहे थे भाई? क्या देख लिया ऐसा? क्या सोच लिया? तो जरूरी है कुछ देखूं तब मिस करूं? क्या ऐसे नहीं कर सोच रहे थे? सकती। तुमको सोच रही थी, पता मुझको सोच रहे थे? हाँ, है, तुमको पता है, आई क्या? नेवर वॉन्टेड यू, ठीक, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत हुई। आई ऑलवेज नीडेड यू। तो हाँ तो तुम मेरे पास आ जाओ ना प्लीज। साथ ही तो हूँ, पास ही तो हूँ। नहीं, तो एक्सपेक्ट कर लो ना, एक्सेप्ट कर लो ना कि मैं हूँ, इमेजिन कर लो, काफी नहीं है? इमेजिनेशंस में प्यार करना पड़ेगा अभी तुमको मुझे। हाँ, ठीक है ना, मिलने आ जाऊंगा, टेंशन मतलब वो सब छोड़ो। मिलने उलने की बातें नहीं करनी मुझे, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। क्या आज पता है क्या होगा, क्या हुआ? कौन मैं एक मूवी देख रहा था, वो सी? छोड़ो, सुनो तो सही। इतनी अच्छा, रोमांटिक थी, उसके सीन से ना मुझे हम दोनों के सीन याद आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि काश अभी होता। मैंने वो रोमांटिक सीन देखा और सेम टू सेम हमारे बीच कुछ हुआ था, तो मैंने आंखें बंद कर ली और फिर सोचने लगा, तो क्या हुआ ना, ऐसे बॉडी में पूरा सेंसेशन हो रहा था कि यार ये रियलिटी में अभी भी मेरे साथ हो रहा है। मुझे तुम्हारा टच अभी तक याद हो रहा था, पता है? पता है? अच्छा, हाँ सच्ची। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप भी कुछ इमेजिन करने नहीं। लग गए क्या?
नहीं झूठा है, सच सुन, बताओ एक्चुअली क्या नहीं कुछ नहीं, बोलो ना। मेरी इमेजिनेशन ना तुमसे बहुत आगे, बहुत आगे बढ़कर, एक सेकंड। आई मीन देख, नहीं नहीं शादी नहीं नहीं वादी नहीं नहीं कितने नहीं 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 क्या इमेजिन कर रहे हो तुम मेरे बारे में? वाहियात आदमी हो कि तुम बोल ही वैसा रहे हो। मेरा मतलब था कि लाइक शादी तक। हाँ शादी तक फिर। हाँ तो बस यही बोल रही थी मैं, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट जैसे देता कि हूँ, शादी के ठीक है? बाद। हाँ एक कंसेप्ट देता हूँ तुम्हें मैं। मुझे बताओ कि तुम क्या इमेजिन करोगे उसमें, ठीक है? ओके, एग्जाम मेरा, ठीक है, एग्जाम नहीं है बस, प्यार है, ठीक है? ठीक है प्यार की चलो, प्यार का एग्जाम। परीक्षा हाँ प्यार की परीक्षा, ठीक है? चलो देखो, बात ऐसी है कि ना। हम दोनों मंडप में खड़े हैं, ठीक है? हमारी शादी हो चुकी है, गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है? और निकल गए घर के लिए, गाड़ी में बैठे हैं। तो व्हाट विल यू इमेजिन इन दिस सिचुएशन? बताओ क्या करोगे, कैसे बिहेव करोगे, कैसे रहोगे? आजू बाजू बैठे, तो तुम्हारे साइड में तुम्हारा कोई कजिन वजिन मम्मी उम्मी बैठी है जो एक रात के लिए साथ में आता है ना, वैसा बताओ। तो मैं इमेजिन करूंगी कि तुम मेरी लैप पे अपना सिर रख के सो रहे हो और है इतना छोटा मैं सा हूं क्या मैं तुमको जो ऐसे साइड में बैठे सिर बैठे रख गुप करके के, गिर गया मेरा? हाँ सिर निकलता है ना, मेरा हेड ऐसा साइड में होता है, अलग होता है मेरे बॉडी से, पता? हाँ तो बेवकूफ कहीं के मैं एकदम चुप साइड में रहो बैठा तू, हूँ चुप तुम्हारे, हम रहो तीन तू। लोग एक सीट पे बैठे हैं। अच्छा मैं हाँ तीन लोग, अच्छा ओके, हम हाँ दोनों अकेले नहीं है। नहीं तीन लोग हैं, और सामने भी ड्राइवर की सीट के बाजू में कोई बैठा है मेरा दोस्त, और पीछे भी गाड़ी में दो लोग बैठे हैं। तो यार ऐसे तो शादी के बाद तो अकेले जाते हैं ना। नहीं घर वाले भी तो होते हैं गाड़ी में। अच्छा ओके, हाँ तो बताऊं तो हाँ क्या? जी तो तुम मेरा सिर चुपके से हाथ पकड़ लोगे हाँ, और मैं तुमको बोलूंगी कि छोड़ो इशारों में, इशारों 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 में में। ओके। और फिर तुम बोलोगे इशारों में कि नहीं, फिर मैं तुमसे इशारों में बोलूंगी कि कोई देख लेगा। फिर ऐसा होता है ना कि मैं, हम दोनों का हाथ ऐसे हाइड कर लेती हूँ दुपट्टे में अपने, लाइक ऐसे हाँ ताकि कोई देख ना ले। फिर तुम चुपके, फिर मेरे, हम दोनों को जो आई कांटेक्ट पूरा होता है, फिर हाँ एक दूसरे एक के चलते ही हॉर्न थे। बजता है, फिर हमारा आई कांटेक्ट टूट जाता हाँ है और मैं तुमको कहती हूँ कि हाथ छोड़ो कोई देख लेगा। हाँ फिर तुम कहते हो इशारों मेरे में कहते हो कान या में, मुंह से बोलते हो? नहीं इसे कान में थोड़ा सा हल्का हल्का, हाँ फिर तुम बोलते हो कि अब तो मेरा लाइफ टाइम का हक है ना। हाय हाय फिर फिर मैं बोलती हूँ कि ये हक बाद बाद में दिखाना, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ जाओ तुम, मतलब नॉट, तुम कुछ गलत मत समझना, ठीक नहीं है। सब सही समझ रहा हूँ, बोलो आगे। और मैं तुमसे जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वा लेती हूँ, फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती हैं कि क्या कर रहा मम्मी तो साथ में नहीं है पर है। अरे मम्मी नहीं, सॉरी, कौन है फिर? जो भी है चलो। हाँ हाँ फिर मैं क्या करती हूँ फिर? हाँ झटके मैं से हाथ उनसे छोड़ फिर, देता हूँ हाँ फिर। फिर तुम लाइक से टीज करते हो मुझे, होता ना पिंच करते हो कि हाँ तुमने डांट पड़वा दी मुझे ऐसा। हाँ फिर मैं तुमसे और कहती हूँ इतनी कि खामोशी तो होगी नहीं जितनी आप कह रहे हो। बेटा नई दुल्हन बन के आओगे ना तो बहुत छेड़ा जाएगा तुमको, गाड़ी में जितने भी लोग हैं ना मिलके छेड़ेंगे सब, और सबसे ज्यादा मैं, ठीक है? सो यू आर फेल इन द एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? मुझे एक्सपीरियंस नहीं नेक्स्ट। अच्छा बेटा नेक्स्ट एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? उसी ठीक है, ओके। दिन उसी रात घर पहुंचने के बाद जो गेम्स होते हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है? वो सब होने के बाद कुछ होता है जिसमें तुम हल्दी का ग्लास लेके रूम में बैठे होते हो, हल्दी का नहीं होता घूम वो, गए। हाँ जो भी हल्दी का दूध होता है ना वो केसर हल्दी का वेसर, नहीं होता वो, एक्सपीरियंस है केसर तुम्हें? का,
हाँ तो बस मुझे भी नहीं है, तो जो भी है एक्सपीरियंस नहीं है, चुप बैठो ठीक है। तो केसर बादाम जो भी है ठीक है, जो भी दूध होता है ठीक है, वो लेके टेबल पे रख के तुम घूंघट डाल के बैठे होते हो, व्हाट विल यू इमेजिन इन द सिचुएशन कि मैं रूम में आ रहा हूँ फिर। ये बताना पड़ेगा। एग्जाम है, ऐसा तो कर नहीं सकते, पूरे 14 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ अच्छा जी ठीक है, ठीक है फिर तुम रूम में आओगे, फिर हाँ, तुम रूम में आओगे और स्लोली और स्लोली लाइक चलते चलते बेड तक आओगे। कुंडी कौन पप्पा लाएंगे बाहर से। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ हाँ सॉरी। फिर तुम स्लोली स्लोली बेड तक आओगे, फिर बेड पे जो किनारा होता है उस बैठ जाओगे आके, ठीक है, हाँ और स्लोली स्लोली अब तक डील कुंडी नहीं लगाई पर। गो स्लो ओके। हाँ फिर तुम मेरा घूंघट उठाओगे प्यार से, अभी आंखें झुकी हुई होंगी, अफकोर्स शर्मा रही होंगी ना यार। क्यों तुम्हारी हाँ आंखें इलास्टिक है। चुप रहो तुम 2 मिनट। हाँ हाँ फिर तुम मेरा घूंघट उठाओगे, फिर होता है ना ऐसे, मैंने मुंह नीचे किया होता है, फिर तुम मेरी चिन से होता है ना उसको पकड़ के ऐसे प्यार से अपनी तरफ मुँह करवाओगे, फिर तुम बोलोगे मुझे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मिसेस डीले। फिर ऐसा नहीं बोलूंगा पर मैं फिर। बोलोगे अच्छा ओके। फिर मैं थोड़ा सा स्माइल करूंगी, फिर तुम बोलोगे कि अब तुम्हारा इस कमरे पे और मुझ पे लाइफ टाइम का राइट हो अधिकार है। चुका है। यस हाँ तो तुम मुझ पे ज्यादा हक मत जताना, ऐसा बोलोगे। तो फिर ठीक है। मैं ना थोड़ा ऐसे उसमें बोलूंगी कि क्या बोलूंगी कि बस तुम बातें ही थे होगी और हमारी, बस हाँ बातें ही होगी। बातें, फिर मैं तुमको दूध दूंगी, फिर हाँ तुम पी के सो जाना और क्या। ठीक है डन, यही होगा। हाँ ओके शादी के ओके बाद पक्की पक्का प्रॉमिस यही होगा। ओके बातें हाँ होगी, मैं दूध पियूंगा, आप थोड़ा सा पीना, मैं थोड़ा सा, और सो जाएंगे ठीक है राइट। हाँ ओके, और क्या करना है, सो जाना फिर तुम। हाँ ऑब्वियसली, क्या दो अटक क्यों रहे हो मैं कहाँ अटक रही हूँ, तुम बोल फ्लुएंटली। रहे हो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, देखो किस तरह से। हाँ अच्छा हाँ ओके ठीक है, मतलब हाँ ऐसा ही अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और समझ रहा हूँ बताओ तुम, बढ़िया बेटा। सब। आई नो आई नो आई गॉट यू बेबी। और सब बढ़िया, बताओ फैमिली अरे और सब परफेक्ट। में अच्छा खाना पीना हो गया हाँ जी हो गया। क्या खाया फिर आपको अभी तो खाया सोया। यार तुम शर्मा शर्मा मुझ तुम कुछ क्या नहीं। हाँ क्या ठीक कर है, रहे हो थे, क्या था ये गया तुम्हारा ये डिल्यूशन वगैरह। कुछ क्या कर रहे थे, तुम ये बताओ। नहीं कर रही थी मैं, नहीं क्या कर रहे थे, ये क्या बोला कुछ तुमने अभी, नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला नहीं क्या बोला बताओ। यार, तुम मुझको इसे शर्मावा मत ना प्लीज, शर्म आती है मुझको। कितनी क्यूट है। अच्छा तुम जाओ, अभी आई लव यू। जा रहे हो क्या, कहाँ हाँ जी। जा रहे हो। अब दिल में ही तो रहता हूँ, कहाँ जाऊंगा और। अरे जाने भी नहीं दूंगी तुमको मैं, तब तक सब ये दिन नहीं आएगा ना ये वाला शादी वाला, तब तक हाँ कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, दिन ही ना रात नहीं। ओके ठीक बहुत गंदे जोक है। एक मारते हो प्लीज। सेकंड एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ। क्या रोमांस एंजॉय सब करते हैं ठीक है, जब उनका टाइम आता है ठीक है, हर कोई एंजॉय करता है, ठीक क्यों कहते हैं यार। छोड़ो ये सब, तुम जाओ ठीक है, बहुत देर हो गई मेरे को है। हमेशा ये सवाल आता है, बता जब कोई और बताता है बोलता है तो ठीक क्यों निकलता है, वाह क्यों नहीं निकलता। तुम्हारा भाव हंसी आ नहीं रही है। करता है, फिर नहीं मैं, मेरा भी छी निकलता है, पता नहीं क्यों। तुम खुद से पूछो ये सवाल।
हाँ तो मेरा भी वही निकलता है, बट यार इट्स अ प्योर फॉर्म क्या 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 ऑफ, क्या इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स राइट। ठीक है तुम जाओ। ठीक है टाटा, नहीं करनी बात, बाय। अब अब पक्का जो भी पूरा रात होगा तक शर्माते रहेगी। लव यू टू। जाओ तुम। टाटा दादा टाटा तो बोल दो, आई टाटा मिस यू। बस हम टू नाउ तुम पागल जाओ। कहीं क्या। हाँ मैं जा रहा हूँ टाटा। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो ना, बहुत मारूंगी। और प्लीज लाइक शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो, हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।